الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب حکمتوں والے ہیں آمنت باللہ و بآیاتہ حضرات گرامی گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا
अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत के लिए दो रहनुमा उसूल मुकर्रर फरमाए हैं। एक कानून खुदावंदी और दूसरी उस कानून को समझाने वाली, उस कानून की तालीम देने वाली शख्सियत। हर दौर में अल्लाह ने जब कोई सहीफा, कोई किताब नाजिल फरमाई तो उसकी तालीम देने के लिए, उसको समझाने के लिए शख्सियत को, नबी और रसूल को उसके साथ मबूस फरमाया। और इसी उसूल के पेश नज़र अल्लाह ने आका इनामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तालीम दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार वजीफे मुकर्रर किए और इस बात को बतौर इनाम के अल्लाह ने जिक्र किया, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। कि अल्लाह वो ज़ात है, बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, कि जिसने उम्मियों में ऐसे लोगों में कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, एक रसूल मबूस फरमाया। मिनहुम, जो उन्हीं में से था, ताकि यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो रसूल उस रब की आयात की उन उम्मीयीन के सामने, उन लोगों के सामने तिलावत करें और उनका तज़किया करें। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की उन्हें तालीम दें, कि जो पहले से गुमराही में पड़े हुए थे। तो ये चार वजीफे अल्लाह ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर फरमाए और उम्मीयीन की तरफ, बेपढ़े लिखे लोगों की तरफ ऐसे रसूल को मबूस फरमाया कि जो खुद भी उम्मी थे, कि जिन्होंने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, ना किसी मकतब में गए, ना किसी मदरसे में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ना किसी शख्सियत के पास जाकर के उन्होंने इल्म हासिल किया। इसलिए कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते हैं, वो इस दुनिया को तालीम देने के लिए आते हैं, तालीम लेने के लिए नहीं आते। अंबिया अलैहिस्सलाम बराए रास्त रब्बुल आलमीन से इल्म हासिल करते हैं और फिर उस इल्म को इंसानों तक पहुंचाते हैं। तो जो बराए रास्त बिला वास्ता रब्बुल आलमीन के शागिर्द हों, तो वो दुनिया में किसी और के शागिर्द नहीं बन सकते। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि दुनिया वालों को तालीम देते हैं। और इसीलिए
जहाँ पर भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीम का जिक्र है तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने आप को उस्ताद जाहिर किया है और अम्बिया अलैहिस्सलाम को शागिर्द जाहिर किया। अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरफ तिलमीज होने, शागिर्द होने की निस्बत की है और इल्म देने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम की तालीम का जिक्र हुआ तो फरमाया वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा की तालीम दी और तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए। तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम को तालीम देने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा की तालीम दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताबीर ख्वाब का इल्म दिया तो उसकी निस्बत भी अल्लाह ने अपनी तरफ फरमाई और फरमाया कि वअल्लमहु मिन तअवीलिल अहादीस कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तावील अहादीस यानी ताबीर ख्वाब का इल्म दिया, ताबीर ख्वाब का इल्म सिखला दिया, उसकी तालीम दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में बादशाह के जो दो नौकर आते हैं ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें फरमाते हैं ज़ालिक मिम्मा अल्लमनी रब्बी कि मेरे जेल के साथियों दोपहर के खाने से पहले पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बतला दूंगा लेकिन ये जो मैं ताबीर तुम्हें बतलाऊंगा ज़ालिक मिम्मा अल्लमनी रब्बी ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा बल्कि मेरे रब ने मुझे इसकी तालीम दी, मेरे रब ने मुझे इसका इल्म सिखलाया है। और फिर जिस वक्त पूरा खानदान मिस्र में आ जाता है और उनके सामने सर बसजूद होता है तो अल्लाह का शुक्र इन अल्फाज में अदा फरमाते हैं रब्बि कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तअवील अलअहादीस ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये बादशाहत दी, ये मुल्क दिया और आपने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़रा साजी का इल्म दिया तो उसकी निस्बत भी अपनी तरफ फरमाई वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम कि हमने तुम्हें ज़रा साजी का इल्म दिया ताकि जंग के मौके पर लड़ाइयों में तुम उसके ज़रिए से अपना बचाव कर सको, दुश्मन से अपनी हिफाजत कर सको। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आका नामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाह अलैक अज़ीम हमने आपको उन चीज़ों का इल्म दिया मा लम तकुन तालम कि जिनको जिनका आपको पहले से कोई इल्म नहीं था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वकान ज़ालिका ये अल्लाह तबारक व ताला का अज़ीम शान इनाम है, फजल और एहसान है कि अल्लाह ने आपको इस इल्म से नवाजा। और दूसरे मकाम पर फरमाया वकज़ालिका ओहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना मेरे महबूब वकज़ालिका ओहैना इसी तरह हमने वही की आपकी तरफ
रूह मिन अम्रिना, अपनी रूह। यहां पर अल्लाह ने एलम को रूह फरमाया है और रूह से तशबीह दी कि जिस तरह कोई भी जानदार बगैर रूह के जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह कोई भी कौम और कौम का कोई भी फर्द बगैर इल्म के जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। कौमों की जो जिंदगी है, फरमाया कि वो इल्म के साथ वाबस्ता है, जहालत से कोई कौम जिंदगी हासिल नहीं कर सकती, चाहे वो दुनिया की जिंदगी हो चाहे वो आखिरत की जिंदगी हो। दुनिया की जिंदगी दुनियावी उलूम से बनेगी, आखिरत की जिंदगी उखरवी उलूम से बनेगी। लेकिन जिसको भी जिंदगी मिलेगी दुनिया और आखिरत की, वो इल्म के जरिए से मिलेगी। इसलिए फरमाया वकज़ालिका ओहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, मेरे महबूब हमने आपकी तरफ रूह की वही की। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, इस वही के आने से पहले आपको कुछ मालूम नहीं था कि किताब किस चीज को कहते हैं, वलल ईमान, न आपको ईमान के बारे में कुछ मालूम था कि ईमान किस चीज का नाम है। वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिमन नशाउ मिन इबादिना, लेकिन हमने जालनाहु नूर, आपके कलब मुबारक के अंदर इलम का नूर, इलम का चांदना, इलम की रोशनी पैदा कर दी, और इस इलम की रोशनी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सब कुछ आया हो गया, सब कुछ जाहिर हो गया। तो इसलिए फरमाया कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं इस दुनिया के अंदर, वो बराए रास्त बिला वास्ता रब्बुल आलमीन के शागिर्द होते हैं और रब्बुल आलमीन से इलम हासिल करते हैं, इसलिए वो दुनिया में किसी से इलम हासिल नहीं करते, दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं होते। तो इसलिए फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हु, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने उम्मीयों में एक उम्मी रसूल को भेजा कि जिसने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जब 5 बरस की थी, वालदा उन्हें एक मकतब के अंदर ले गए, उस्ताद के सामने बिठाया ताकि ये पढ़ना लिखना सीख ले। उस्ताद ने कहा कि उक्तुब, लिखो। और मैं माँ उक्तुब, क्या लिखूं? कहा लिखो बिस्मिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो माँ माना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह में जो बा है, इस बा का क्या मतलब है, सीन का क्या मतलब है, मीम का क्या मतलब है? उस्ताद ने कहा कि बा का भी कोई मतलब होता है, सीन का भी कोई मतलब होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई मतलब नहीं है तो आप मुहमलात की तालीम देने के लिए, बेमाना चीज़ों की तालीम देने के लिए बैठे। उस्ताद हैरान है, अजीब शागिर्द आ गए, कहने लगे आप इसके माना जानते हैं? कहा हाँ जानता हूँ। कहा बताओ। तो फरमाया कि पहले उस्ताद जी की जगह से उठो, शागिर्दों की लहर में आओ और फिर मैं बताऊँगा। उस्ताद उठे, शागिर्दों की लहर में बैठे, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह का माना बताया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को और अजमत को इस तरह से खोला कि लोग हैरान रह गए। फरमाया अल्बाउ बहाउल्लाह वसीनु सनाउहु वल्मीमु मुमलिकतहु वल्लाहु इलाहुन व आलियतुन वर्रहमानु रहमानुद्दुनिया वर्रहीमु रहीमुल आखिरा। अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की तौहीद को इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने खोला कि सारे हैरान और शस्तर रहे। तो फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि दुनिया को तालीम देने के लिए आते हैं।
और इसी उसूल पर अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया कानून बना करके, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया रसूल बना करके और मुअल्लिम और उस्ताद बना कर, ताकि इस कानून की, इस कलाम खुदावंदी की तशरीह और तौज़ीह करें और अल्लाह की जो मुरादात हैं उन मुरादात को इंसानों के सामने बयान फरमाएं। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुअल्लिम बना करके और उस्ताद बना करके भेजा है। मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं, देखा कि सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन की दो जुमातें, एक जुमात इबादत में मसरूफ है, कोई नवाफिल पढ़ रहे हैं, कोई जिक्र अस्कार कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील के अंदर मशगूल हैं, इबादत में लगे हुए हैं, और दूसरी जो जुमात है वो तालीम और तालम के अंदर मशगूल है, सीखने सिखाने के अंदर मशगूल है, ये चीज़ जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, मसाइल का तज़किरा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देखकर फरमाते हैं किलाकुमा अलल खैर, तुम दोनों ही खैर पर हो, भलाई पर हो, नेकी पर हो, और फिर फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम और उस्ताद बना करके भेजा है ताकि मैं दुनिया को इलम की रोशनी से आशना करूँ और इलम की रोशनी से जहालत की जो तारीकी है इसको दुनिया से दूर कर दूँ। और ये फरमा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुमात में बैठ गए कि जिनमें सीखने सिखाने का और मसाइल का जिक्र हो रहा था। तो इसलिए फरमाया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूला, कि जो भी रसूल आए अल्लाह से बराह-ए-रास्त इलम ले करके आए, बराह-ए-रास्त अल्लाह की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की, दुनिया से किसी से नहीं सीखा बल्कि दुनिया वालों को उन्होंने तालीम। सुभानकल्लाहु बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। الحمد لله علي ذات عظيم صفات سميع سمات كبير الشان جليل قدر في ذكر مطاع الأمر جلي البرهان صحيم الاسم عزيز العلم مسير حلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن تقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن سنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعي واستغفروا يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر الرؤوف الرحيم